अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ मी अमजद उमर रांझा। एम डी कैट प्रिपरेशन के हवाले से ये बायोलॉजी का हमारा दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर के साथ हमारा जो होम्योस्टेसिस टॉपिक है या जो चैप्टर है सेकंड ईयर बायोलॉजी का, वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी उसके वो कंटेंट्स इस लेक्चर के बाद कवर अप हो जाएंगे जो हमारे एम डी कैट में आएंगे। तो हमारा एम डी कैट का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। इस टॉपिक में हम इन डिटेल जानेंगे थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, स्पेशली इन ह्यूमंस कैसे होती है, थर्मोस्टेट फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म हम देखेंगे, और लास्ट पे हम पाइरेक्सिया को देखेंगे। सो थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स स्पेशली इन ह्यूमंस, ह्यूमंस आर आल्सो मैमल्स, मैमल्स आर दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस। वो बच्चे पैदा करते हैं इंस्टेड ऑफ लेइंग एग्स, अंडे देने के बजाय वो बच्चे पैदा करते हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस एंड मिल्क देम, और उनको मिल्किंग भी करते हैं। तो मैमल्स ह्यूमन बीइंग भी इन्हीं में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग में टेम्परेचर की टॉलरेबल रेंज क्या है जिसमें थर्मोरेगुलेशन बरकरार रखनी होती है। वी नो थर्मोरेगुलेशन मीन्स टू रेगुलेट और टू मेंटेन द टेम्परेचर और इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ मैमल्स और ह्यूमन बीइंग्स एट अ टॉलरेबल रेंज, दैट रेंज विच इज़ टॉलरेबल फॉर द एंजाइम्स ऑफ आवर बॉडी। अगर वो रेंज रहती है तो एंजाइम्स विल परफॉर्म देयर फंक्शन इन एन ऑप्टिमम स्पीड, राइट। सो टॉलरेबल रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 36.1 टू 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर इस रेंज में रहता है तो दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एंजाइम्स ऑफ आवर बॉडी, राइट। सो मैमल्स आर एंडोथर्मिक। हमने तीन क्लासेस पढ़ी थी टेम्परेचर के लिहाज से, एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स एंड हेट्रोथर्म्स। एंडोथर्म्स वो एनिमल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं और फिर इस बॉडी हीट को मेंटेन करते हैं, अपनी बॉडी हीट को मेंटेन रखते हैं एनवायरनमेंट के साथ, गेन और लूज हीट करके एक खास लेवल पर हीट को बरकरार रखते हैं, वो एंडोथर्मिक मैमल्स कहलाते हैं। कुछ मैमल्स हैं जो कि हेट्रोथर्म्स में आते हैं, जैसा कि बैट्स हेट्रोथर्म्स, दे आर डिफरेंट फ्राम एक्टो एंड एंडोथर्म्स, उनको हेट्रोथर्म्स कहते हैं। दे प्रोड्यूस बॉडी हीट बट डू नॉट रेगुलेट और मेनटेन दैट बॉडी हीट, सो दे कम इन द कैटेगरी एज हेट्रोथर्म्स, राइट। सो वट इज़ द वट आर द बेनिफिट्स ऑफ एंडोथर्मी। एंडोथर्मी के बेनिफिट्स क्या हैं मैं आपको बता दूँ। दो तरह के एनिमल्स हैं जिनमें एंडोथर्मी पाई जाती है, जो एंडोथर्मिक होते हैं, एक बर्ड्स और दूसरा मैमल्स। एंडोथर्मी होने की वजह से दे कीप हाई मेटाबोलिक रेट, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म हाई रेट पर रहता है। जब टेम्परेचर आई होगा, जब एनर्जी आई होगी, जब हीट आई होगी, तो हर वक्त जो मेटाबॉलिज्म है वो होता रहेगा। मेटाबॉलिज्म हर वक्त होने की वजह से एनर्जी रिमेन्स अवेलेबल टू दीज एनिमल्स राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक मीन 24/7, एवरी सीजन, एवरी पार्ट ऑफ द डे और 24/7 जो है एनर्जी अवेलेबल रहेगी। दे विल बी हाईली एनर्जेटिक, दे विल बी स्विफ्ट, उनको हाइबरनेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, उनको एस्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो हर तरह के टेम्परेचर पर, हर तरह के माहौल में सर्वाइव कर सकेंगे, राइट। सो इनमें एबिलिटी टू अडेप्ट ज़्यादा होती है, अडेप्टेशन की एबिलिटी। अडेप्टेशन मीन्स चेंजेस टू मीट रिक्वायरमेंट्स। ये हाई टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, ये लो टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। रीज़न, क्योंकि ये बॉडी हीट को मेंटेन्ड करते हैं, इनमें कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं, कंट्रोल सिस्टम्स हैं टू कीप द बॉडी हीट एट कांस्टेंट और एट टॉलरेबल रेंज, सो दे कैन सर्वाइव इन एनी एनवायरनमेंट। दे डेवलप अडेप्टेशंस। जब वो हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो और तरह की अडेप्टेशंस, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस और बिहेवियरल चेंजेस पैदा होती हैं। जब वो लो टेम्परेचर रीजन में जाते हैं तो उनमें और तरह की, जैसे ह्यूमंस हाई टेम्परेचर में भी रहते हैं और लो टेम्परेचर में भी रहते हैं। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वाइड होती है, क्योंकि बर्ड्स और मैमल्स हर तरह के टेम्परेचर पर पाए जा सकते हैं, वो बॉडी हीट को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो दे कैन बी फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। सो दे हैव ग्रेट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, दे हैव वाइड बायोडाइवर्सिटी एज वेल। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी ऑफ एनिमल्स और वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, बर्ड्स एंड मैमल्स regulate their heat production with the environment by gaining and losing the heat. For example, जब हम exercise करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, jogging करते हैं, तो हमारा metabolism तेज़ हो जाता है, जिससे heat production तेज़ हो जाती है। अब इस heat production को हम environment के साथ lose करेंगे ताकि हम उसको बरकरार रख सकें। जब बाहर cold temperature है, surrounding cold है, तो हम हीटिंग मैकेनिज्म ऑन करेंगे ताकि इस जो बॉडी के अंदर हीट है उसको मेंटेन रखा जा सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स।
नेक्स्ट है थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ इन मैमल्स स्पेशली इन ह्यूमंस। थर्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, क्या तरीकाकार है कि वो थर्मो रेगुलेशन बरकरार रखते हैं। हमें मालूम है कि एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं। द वे ऑफ द प्रोसेस ऑफ हीट जनरेशन इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। द वे ऑफ हीट जनरेशन, द वे ऑफ हीट प्रोडक्शन इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस इज ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड नंबर टू नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसकी डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। स्किन इज द थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। वट डज इट मीन? इट मीन्स दैट स्किन मेंटेन्स द टेम्परेचर। स्किन परफॉर्म ए लॉट ऑफ फंक्शंस, ए लॉट ऑफ फंक्शंस परफॉर्म बाई स्किन टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। हाउ, ये हम देखते हैं। सबसे पहले शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में मसल्स इन्वॉल्वड हैं, मसल्स इन्वॉल्वड हैं। हमारी बॉडी में मसल्स और ग्लैंड्स दो इफेक्टर्स हैं, इफेक्टर ऑर्गन्स हैं। तो मसल्स हीट कैसे पैदा करते हैं? बाय शिवरिंग। शिवरिंग से दो चीज़ें मुराद हैं। वन मसल कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जब हम रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त हमारे मसल्स कंट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं जिससे हीट पैदा होती है। और दूसरा जब सर्दी है, कोल्ड टेम्परेचर है सराउंडिंग में, तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग भी होती है, मसल शिवर करते हैं, कांपते हैं। तो शिवरिंग से या कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से जो हीट पैदा होगी, जो थर्मोजेनेसिस होगा, वो कहलाएगा शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। दूसरा है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ये वो प्रोसेस है जिसमें मसल्स इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें मसल्स की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन या मसल्स की शिवरिंग नहीं है। इसमें बेसिकली क्या होता है, हार्मोनल ये कंट्रोल है। जैसे एक मिसाल आप देखें, हमारे थायराइड ग्लैंड्स हैं, हमारे नेक के अंदर थायराइड ग्लैंड है, ये थायरॉक्सिन पैदा करता है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस सेक्रीशंस कॉल्ड हार्मोन्स एंड विच आर डक्टलेट्स ग्लैंड। व्हाट आर हार्मोन्स? द सेक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। सो थायराइड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द नेक, इट प्रोड्यूसेस थायरॉक्सिन। ये जो थायरॉक्सिन है, ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एनहांस करता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म को, ATP प्रोडक्शन को इन्हांस करता है। जब मेटाबॉलिज्म होगा तो डेफिनेटली हीट भी बाय प्रोडक्ट के तौर पे पैदा होगी। तो इसको कहते हैं हार्मोनल। ये नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की एक मिसाल। नॉन शिवरिंग की दूसरी मिसाल ब्राउन फैट। ये जो ब्राउन फैट है, एक वाइट फैट होता है और एक ब्राउन फैट होता है। वाइट फैट बॉडी के लिए ख़तरनाक है, ओबीज करता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ पैदा करता है। लेकिन जो ब्राउन फैट है, ये हेल्पफुल है बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि जब ब्राउन फैट ब्रेक होता है या कैटाबोलाइज होता है, तो इससे हीट पैदा होती है। तो ब्राउन फैट न्यूबॉर्न मैमल्स के अंदर पाया जाता है, जैसे छोटे बच्चे हैं, नौमौलूद बच्चे, उनमें ब्राउन फैट की मकदार ज़्यादा है। छोटे बच्चे सर्दी की वजह से कभी आपको शिवरिंग करते नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस यानी ब्राउन फैट को कैटाबोलाइज करके इससे हीट पैदा कर सकते हैं। वो एनिमल्स या वो मैमल्स जो कोल्ड टेम्परेचर में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में, ठंडे इलाकों में रहते हैं, उनके अंदर भी ब्राउन फैट की मकदार ज़्यादा होती है। और वो मैमल्स जो हाइबरनेट करते हैं, हाइबरनेट मीन्स During the winter season when there is cold temperature in the surrounding, they sleep down and become inactive and respire and the heartbeat is very slow. So this process is called hibernation. The animals which hibernate also have a lot of amount of brown fat. ये non-shivering की दूसरी example, sometimes overproduction of heat हो जाती है। कैसे? For example, we are exercising, एनवायरनमेंट इज़ हॉट सराउंडिंग है, जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट होगी या हीट ज़्यादा होगी, तो अब क्या होगा? वैसोडाइलेशन मीन हमारी जो सरफेस ऑफ द स्किन है उसकी तरफ, उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, वो ओपन अप हो जाएंगी, उनकी तरफ ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी। तो ब्लड जब सर्फेस पर जाएगा तो वहाँ से हीट एनवायरनमेंट में चली जाएगी बाई इवेपोरेटिव कूलिंग एज वेल एज बाई थर्मल रेडिएशन। इवेपोरेटिव कूलिंग मीन्स स्वेट ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द स्किन, they produce sweat, when this sweat evaporate cause cooling, evaporative cooling होती है, इससे cooling effect मिलता है। और फिर thermal radiation, हमारी skin से thermal radiations भी जो है वो environment का हिस्सा बन जाती है, जिससे हमारी heat normal हो जाती है। हम देखेंगे मैकानिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स इन कोल्ड टेम्परेचर एज वेल एज इन वार्म टेम्परेचर। मैमल्स जब कोल्ड टेम्परेचर में होते हैं तो थर्मोरेगुलेशन मैकानिज्म क्या होता है उनमें? जब 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 कोल्ड टेम्परेचर है, जब विंटर सीजन है, जब ठंड है बाहर, तो सबसे पहले वैजो कंस्ट्रिक्शन, वैजो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन
श्रिंक हो जाना, सिकुड़ जाना, तंग हो जाना, वो ब्लड वेसल्स जो सरफेस पर हैं बॉडी के, जो आर्म्स और लेग्स जिनको एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं इनकी तरफ जाती हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है क्योंकि एक्सटर्नल टेम्परेचर स्लो है, एक्सटर्नल टेम्परेचर लो है, उसकी वजह से वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो एक्सट्रीमिटीज़ को ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। मेन ब्लड रखा जाएगा ट्रंक रीजन में, धड़ के अंदर। ट्रंक रीजन में क्यों? क्योंकि हमारे मेन वाइटल ऑर्गन्स और हमारे वाइटल ग्लैंड्स हमारे ट्रंक रीजन में है। तो सारे का सारा जो वार्म ब्लड है उसको रखा जाएगा ट्रंक रीजन में बाई वैजो कंस्ट्रिक्शन। सेकेंड थिंग, फैट लेयर अंडर स्किन। ह्यूमन में, मैमल्स में स्किन के नीचे एक थिन फैट लेयर होती है, ये इंसुलेटर का काम करती है, ये नॉन कंडक्टर ऑफ हीट का काम करती है, ये हमारी बॉडी हीट को डिसिपेट या वेस्ट नहीं होने देती है। फिर अभी मैंने बात की ब्राउन फैट की, जैसे न्यू मैमल्स में, मैमल विच लिव इन कोल्ड टेम्परेचर्स, मैमल विच हाइबरनेट डू हैव द ब्राउन फैट, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वाइट फैट, दिस इज़ हेल्पफुल, दिस प्रोड्यूसेस द हीट बाय थर्मोजेनेसिस, राइट। देन ब्लबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेल्स एंड सील्स, ये वो मैमल्स हैं, याद रहे, व्हेल और सील्स समंदरी मैमल्स हैं, लिव इन द मैरीन वाटर्स बट आर मैमल्स नॉट फिशेज, आमतौर पर समझा जाता है, बट व्हेल एंड सील्स आर मैमल्स, लिव इन द बॉटम ऑफ द सीज एंड ओशंस वेयर द टेम्परेचर इज़ वेरी कोल्ड, जहाँ पे बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है। तो इनकी स्किन के नीचे एक थिक लेयर ऑफ फैट होती है जिसको ब्लबर कहते हैं। ब्लबर मीन्स थिक फैटी लेयर अंडर द स्किन ऑफ व्हेल्स एंड सील्स विच लिव इन द बॉटम इन द कोल्ड टेम्परेचर। दिस ब्लबर इज़ डिफरेंट फ्राम ब्राउन फैट और वाइट फैट। हाउ? फर्स्ट थिंग, इट इज़ वेरी थिक लेयर ऑफ फैट। सेकेंड थिंग, इट हैज़ ए लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो ये ब्लबर होती है व्हेल और सील्स में जो उनको इंसुलेट करती है, उनके बॉडी हीट जो वो पैदा कर रहे हैं, मैमल्स पैदा करते हैं, उसको डिसिपेट नहीं होने देती, क्योंकि ये भी मैमल्स हैं, ये भी एंडोथर्मिक हैं, प्रोड्यूसिंग द हीट इन साइड द बॉडी, सो दे डू नॉट डिसिपेट देयर बॉडी हीट, मेनटेन देयर बॉडी हीट एट अ टेम्परेचर। लास्ट थिंग, शिवरिंग। अब जाहिर कोल्ड टेम्परेचर में एक ये भी मैकेनिज्म है, शिवरिंग, मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, मसल शिवर करते हैं, मसल कांपते हैं, वाइब्रेट करते हैं, उससे भी हीट पैदा होती है। मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स इन वार्म टेम्परेचर, व्हेन द टेम्परेचर इज़ वार्म, व्हेन इट इज़ समर सीजन, हॉट सीजन, गर्मी है, आपने एक्सरसाइज की है, टेम्परेचर हाई हो गया, तो इसमें सबसे पहले है वैसोडाइलेशन। स्किन का बहुत रोल है इसमें भी और इसमें भी, अभी मैं बता रहा था ना स्किन इज़ अ थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, तो स्किन का बहुत रोल है। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स इन वार्म टेम्परेचर, जब वार्म टेम्परेचर होगा तो सबसे पहला जो मैकेनिज्म है वो है वैसोडाइलेशन, वैसो ब्लड वेसल्स, डाइलेशन ओपन अप, वो ब्लड वेसल्स जो सरफेस ऑफ बॉडी पर है, जो अंडर स्किन है, टूवर्ड स्किन जाती हैं, वो डायलेट हो जाएंगी, क्योंकि हीट से चीज़ें ओपन अप हो जाती हैं, हीट से चीज़ें डायलेट हो जाती हैं, हीट से चीज़ें खुल जाती हैं, तो ये डायलेट होंगी, इनकी तरफ ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, ट्रंक रीजन से ज़्यादा सरफेस ऑफ बॉडी की तरफ पंप किया जाएगा, और जब ब्लड सरफेस पे जाएगा तो एक तो होगी वहाँ पे इवेपोरेटिव कूलिंग, जिसको हम परस्पायरेशन भी कहते हैं, स्वेटिंग भी कहते हैं, इवेपोरेटिव कूलिंग भी कहते हैं, और दूसरा वहाँ से थर्मल रेडिएशंस एनवायरनमेंट में मूव कर जाएंगी, यानी थर्मल रेडिएशन की वजह से जो हीट है वो एनवायरनमेंट में चली जाएगी। एक प्रोसेस है पैंटिंग, जैसे डॉग्स में होता है। व्हाट इज़ पैंटिंग? डॉग्स आपने देखा होगा ज़ुबान बाहर निकाल के सांस ले रहे होते हैं गर्मी के मौसम में, हांफ रहे होते हैं, तो उनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ से सिलाइवा इवेपोरेट होता है, इस प्रोसेस को पेंटिंग कहते हैं। व्हाट इज़ पेंटिंग? द रेस्पिरेटरी, द इवेपोरेशन ऑफ सिलाइवा फ्रॉम द या ओवर द या फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सर्फसेज इज़ कॉल्ड एज पेंटिंग, एज फाउंड इन डॉग्स एंड अदर मैमल्स। इन पेंटिंग दे ओपन अप देयर माउथ, they bring out their tongue and respire, during this process evaporate, the saliva evaporates which causes or produces cooling. Then thermal radiation, wo main bata chuka hu, saliva and urine on the body, kuch animals aise hain, kuch mammals aise hain jaise ki bats, chamgadne jo hai wo apni body ke upar urine, puri body ke upar urine jo hai wo uska lep kar leti hain, ya saliva apni body ke upar secrete karti rehti hain, lagati rehti hain, wo saliva ya urine jab evaporate hota hai to unhe cooling effect milta hai. This is how the mammals thermoregulate in warm temperatures. Very very important topic from where a lot of MCQs can be raised is thermostat function of the hypothalamus and feedback control in humans. What is thermostat?
द वर्ड थर्मोस्टैट मीन, थर्मो मीन हीट, स्टैट स्टैटिक स्टेडी कॉन्स्टेंट. थर्मोस्टैट इज अ टूल, इज अ डिवाइस, इज समथिंग विच कीप्स द टेम्परेचर, विच मेंटेन्स द टेम्परेचर, विच कीप्स द टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट. जैसे इस्त्री आयरन में होता है और थर्मोस्टैट एयर कंडीशनर के अंदर होता है, तो हमारी बॉडी में भी एक थर्मोस्टैट है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं. ये फोर ब्रेन का एक पार्ट है. हाइपोथैलेमस छोटा सा पार्ट है. मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी भी कहलाता है, क्योंकि ये दो तरीकों से हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है. नर्वस कोऑर्डिनेशन से भी, जैसे ये हम पढ़ेंगे, और केमिकल कोऑर्डिनेशन से भी, कुछ हार्मोन्स भी पैदा करता है. सो कॉल्ड एज मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर, याद रखना है. हम इसमें देखेंगे फीडबैक मैकेनिज्म, कि कैसे फीडबैक मैकेनिज्म के तहत थर्मोस्टैट फंक्शन करता है. व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म? इंपॉर्टेंट पॉइंट. ए मैकेनिज्म विच इज कंट्रोल्ड बाई इट्स ओन प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म. अ मैकेनिज्म विच इज कंट्रोल्ड बाई इट्स ओन प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म, राइट. ये एक डायग्राम हम देखेंगे थर्मोस्टैट फंक्शन की. उसके बाद एक लास्ट पे पायरेक्सिया, एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है, उसमें दो तीन चीज़ें हैं. तो देखिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. दिस इज़ अबाउट थर्मोस्टैट फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमन बीइंग्स एंड मैमल्स, राइट. सो दिस इज द टॉलरेबल रेंज ऑफ द टेम्परेचर. इफ टेम्परेचर रिमेन्स इन दिस रेंज 36.1 टू 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज टॉलरेबल रेंज. दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर. दिस इज द सेट पॉइंट ऑफ आवर बॉडी. सेट पॉइंट जो कि हाइपोथैलेमस में 36.1 टू 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अगर मेंटेन रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर टेम्परेचर इससे हाई हो जाए, हाई टेम्परेचर क्यों होता है? यानी दो रीज़न हो सकते हैं. एक तो एक्सरसाइजिंग से, हमने एक्सरसाइज की, हमने रनिंग की, हमने दौड़ लगाई, टेम्परेचर हाई हो गया. या जो है वो सराउंडिंग इज़ वेरी हॉट, यानी गर्मी का मौसम है, समर सीज़न है, सराउंडिंग हॉट है, तो टेम्परेचर इससे हाई हो गया. जब हाई टेम्परेचर होगा तो इसको डिटेक्ट कौन करेगा? हीट रिसेप्टर्स इन आवर स्किन विल डिटेक्ट दिस हाई टेम्परेचर. ये जो हीट रिसेप्टर्स हैं, ये इसको डिटेक्ट करके मैसेज भेजेंगे हाइपोथैलेमस के पास. क्यों? क्योंकि वो थर्मोस्टैट है, उसका काम है बॉडी हीट को मेंटेन करना. तो उसको रिपोर्ट किया जाएगा कि सर, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग और टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हैज़ इन्हांस्ड और इज़ इंक्रीजिंग, डू समथिंग. हाइपोथैलेमस दो काम करेगा, या दो तरीकों से, बल्कि मुझे कहना चाहिए कूलिंग मैकेनिज्म को ऑन करेगा. क्योंकि बार टेम्परेचर, देखिए फीडबैक क्या है, बार टेम्परेचर हाई है, हाई की रिपोर्ट मिली है, तो वो अब कूलिंग मैकेनिज्म को ऑन करेगा, उसके उल्ट करेगा फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, राइट. वो कूलिंग मैकेनिज्म क्या करेगा? एक तो वो वैसोडाइलेशन करेगा, स्किन की तरफ जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाएंगी, उनकी तरफ ब्लड सप्लाई ज़्यादा करवा देगा. जब ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस ऑफ द बॉडी पे जाएगा, वहाँ से हीट डिसिपेट हो जाएगी. फिर वो स्वेटिंग करवाएगा, यानी जो हमारे स्किन में स्वेट ग्लैंड्स हैं वो स्वेट पैदा करेंगे. वो स्वेट, वो वाटर जब इवेपोरेट होगा तो उससे इवेपोरेटिव कूलिंग, दोनों प्रोसेसेस, वैसोडाइलेशन भी और स्वेटिंग भी, कूलिंग पैदा करेंगे. जब कूलिंग पैदा हो जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाएगा इस सेट पॉइंट के मुताबिक, तो इस कूलिंग मैकेनिज्म को शट ऑफ कर दिया जाएगा, इसको बंद कर दिया जाएगा. दिस इज हाउ कंट्रोल मैकेनिज्म और फीडबैक कंट्रोल एक्ट्स, एंड दिस इज हाउ थर्मोस्टैट फंक्शंस. जब टेम्परेचर लो हो गया, लो टेम्परेचर क्यों होता है? कोल्ड सराउंडिंग से, सर्दी है, विंटर सीजन है, बाहर टेम्परेचर कम है, बॉडी का टेम्परेचर फिर भी इस रेंज में मेंटेन करना है, तो इसके लिए हमारे स्किन के अंदर कोल्ड रिसेप्टर्स हैं. हीट के अलावा कोल्ड रिसेप्टर्स भी हैं जो इस टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे. कोल्ड रिसेप्टर्स इन स्किन मैसेज भेजेंगे हाइपोथैलेमस के पास, जो कि थर्मोस्टेट है. अब वो हीटिंग मैकेनिज्म ऑन करेगा. हीटिंग मैकेनिज्म, बार कोल्ड है तो हीटिंग मैकेनिज्म ऑन होगा. दिस इज नेगेटिव फीडबैक. हीटिंग मैकेनिज्म में दो काम है, जैसे वहाँ पे वैसोडाइलेशन और स्वेटिंग था, यहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन है. The blood vessels, the blood capillaries leading the blood towards the skin will be constricted, will be shrink, right? उनको blood कम जाएगा, blood mainly trunk region में रहेगा. और दूसरा shivering thermogenesis, दूसरा काम muscles से लिया जाएगा. muscles को कहा जाएगा shiver करें, काम पे, जैसे हमारे अक्सर दांत बजने लगते हैं सर्दी से, हमारे muscles कांपने लगते हैं, तो उससे भी thermogenesis होगी, उससे भी हीट प्रोड्यूस होगी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से और वेजो कंस्ट्रिक्शन से, जिससे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल आ जाएगा और ये हीटिंग मैकेनिज्म शट डाउन कर दिया जाएगा. दिस इज हाउ द थर्मोस्टैट और द हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स आवर बॉडी टेम्परेचर. सबसे अहम काम, जो मतलब मुझे कहना चाहिए कि अहम कामों में से एक काम इसका हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर कंट्रोल भी है. लास्ट पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, पायरेक्सिया. लफ्स पायरेक्सिया, लफ्स पायरो जो है ना, इसका मतलब होता है हीट. पायरो लफ्स का मतलब क्या होता है? हीट. तो पायरेक्सिया या पायरोजेंस हीट,
जब हमें बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, हमारा ये जो सेट पॉइंट है ये डिस्टर्ब हो जाता है, ये सेट पॉइंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय ये अबव कर दिया जाता है, जिससे हमें वी फील टेम्परेचर इन फीवर, हमारी बॉडी जो है वो हमारे मसल्स शिवर करने लग जाते हैं, वी स्टार्ट फीलिंग कोल्ड, क्योंकि हमारा सेट पॉइंट हाई हो गया। अब हमें वो हाई मिलेगा तो हमारी बॉडी नॉर्मल रहेगी। होता क्या है बेसिकली पायरेक्सिया में, टेम्परेचर में कई रीज़न है इसकी, सिकनेस, इलनेस, कोई और डिजीज़ है उसकी अलामत है बुखार, या इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया या वायरसेस हमारी बॉडी में दाखिल हुए, और जब दाखिल हुए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ केमिकल सब्सटेंसेस पैदा किए जिनको पायरोजेंस कहते हैं। अब यहाँ पे समझ लें, पायरोमीन हीट जेंस जनरेट करने वाले ये केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं ये जाके हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को नॉर्मल से अबव कर देंगे, अबव सेट कर देंगे ये पायरोजेंस। ये पायरोजेंस दो तरह के हैं, बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि आया पायरोजेंस को वायरस या बैक्टीरिया पैदा करते हैं, या वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ एक्शन करते हुए हमारे वाइट ब्लड सेल्स जैसे मोनोसाइट्स पैदा करते हैं। तो याद रहे दोनों पैदा करते हैं, दो तरह के पायरोजेंस हैं, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस। जो वायरस और बैक्टीरिया बॉडी में दाखिल हुए हैं वो भी केमिकल्स पैदा करेंगे, वो कहलाएंगे एक्सोजीनस पायरोजेंस। जो हमारे वाइट ब्लड सेल हैं उनके खिलाफ जब वो क्रैक डाउन कर रहे होंगे वो भी उनको मारने के लिए केमिकल्स पैदा करेंगे, जो एंडोजीनस पायरोजेंस कहलाएंगे। एंडोजीनस विद इन द बॉडी, एक्सोजीनस आउट ऑफ द बॉडी। तो ये एंडोजीनस या एक्सोजीनस पायरोजेंस हैं, दे विल गो टू द हाइपोथैलेमस, दे विल इंक्रीज द सेट पॉइंट, और इस तरीके से हमें हीट, हमें हीटिंग, हमें टेम्परेचर फील होना शुरू हो जाएगा। याद रहे ये टेम्परेचर बॉडी के लिए नॉर्मल है, ये अच्छा है, इससे बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर या फीवर की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएं, बॉडी की एनर्जी कम होना शुरू हो जाए, बॉडी के एंजाइम्स रुकना शुरू हो जाएं, तो फिर मेडिकल जो हेल्प है या मेडिकल असिस्टेंस है वो सीख करनी चाहिए। इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट होम्योस्टेसिस ऑफ सेकेंड ईयर एंट्री टेस्ट के हवाले से जो जो टॉपिक्स हैं वो कम्प्लीट हो गए, हम नेक्स्ट लेक्चर्स आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया।